नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली उपभोक्ता को लगा जोर का झटका, बिजली विभाग की कारगुजारी, 70 लाख का बिल थमाया उपभोक्ता को। जी हां, उपभोक्ता अभय कुमार रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी हैं। इंदर कुमारी मोहल्ला निवासी अभय कुमार के घर में बिल आया है 70 लाख का। पंडित उपभोक्ता ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा शहर में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भारी भरकम बिजली के बिल आजकल उनके पसीने छुड़वा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है सामने। सिरसा के इंद्रपुरी मोहल्ले में रहने वाले एक साधारण परिवार के व्यक्ति का बिल 75,58,332 रुपये आया है। निर्धारित तिथि तक बिल न भरने पर 2,22,286 रुपये सरचार्ज भरने की हिदायत भी दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सिरसा शहर में ऐसा ही हुआ है। इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी और रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी अभय सिंह ने बताया कि घरेलू कनेक्शन है, उन्हें अप्रैल 2018 से ही गलत बिल भेजा जा रहा है। हर बार यह बिल को ठीक करवाने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार उनके पास पैसे भी जमा करवा रहे हैं, लेकिन महकमे ने बिल दुरुस्त करवाने की बजाय उन्हें हर बार गलत बिल थमा दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनका पिछला बिल 1 लाख रुपए का था और इस बार उन्हें जो जोर का झटका लगा है जब बिल 75 लाख रुपए से अधिक की राशि का आया। उसने बताया कि वह अपना काम काज छोड़कर हर बार बार विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित ने दोषी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाते हुए बिल को सही करवाने की मांग की है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही है और हमारा पहले बिल अत्तर था 5,000 या 4,500 जो भी है, इतना आता था, हम भरते रहे हैं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। 75 लाख का जो बिल आया है ये बिजली विभाग की लापरवाही है, लेके मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता, ये बिल जो है ना ठीक करा जाए। 3 बारी ये पैसे भर चुके हैं, ठीक करवाने की कोशिश करी है, 2-3 बारी जाके भी आए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। 75 लाख रुपये बिल आ गया है, मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। मैं टीबी का मरीज हूँ, अटैक का मरीज हूँ, मेरे को रात को नींद भी नहीं आई है। अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, उनके कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल ठीक करवाने की भी मांग करते हैं। बिल ठीक करा जाएगा तो ठीक है, बिल ठीक होना भी चाहिए था, लेकिन करते नहीं है ये, हम 3-4 बार जाके आए हैं।